हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एक हेडफोन एम्पलीफायर की जो कि हेडिंग की तरफ से, तो इसमें हम रिव्यू अनबॉक्सिंग सब करेंगे। सो चैनल को आप लोग कर दो सब्सक्राइब, तो आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो ऐसा कुछ पैकेजिंग हो गया है, इसको रखते साइड में। इसका फ्रंट लुक है, ठीक है, ये इसका साइड लुक और बाकी सब सेम ही है। तो इसमें हेडिंग का प्रोफेशनल ऑडियो सीरीज लिखा हुआ है, तो इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल, तो इसको आप पढ़ सकते हो क्या हाउ टू यूज़। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप, और सेटअप कैसे करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको मिलता है एक एडाप्टर जो कि है 12 वोल्ट 1 एम्पीयर का, तो इसको रखते साइड में। और मेन यूनिट हमारा ये, तो ये रहा, इसको ओपन करते हैं ऐसे। सो ये रहा हेडिंग की तरफ से, इसका मॉडल नेम है HA400। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ इसका फ्रंट लुक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है Level 1, Level 2, Level 3 और Level 4, चार वॉल्यूम नॉब मिल जाता है। यहाँ पे पावर इंडिकेशन का एक लाइट आपको मिल जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ऑन है। और ये इसका बैक साइड का आप कह सकते हो। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 इसलिए क्योंकि इसमें आपका जाएगा इनपुट। ये जो है ना, दिखाता हूँ आपको ऐसे जाएगा ना, ये इनपुट इसमें जाएगा, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत हो ना किस में डालना है, तो ये आपके यहाँ पे जाएगा। और बाकी यहाँ पे ये चार है, यहाँ पे आप चार हेडफोन्स डाल सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है बताऊँगा मैं अभी। और बाकी इसमें एडाप्टर का है दिया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। और क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लग रही है इसकी। इसका जो नॉब का है ना, ये काफ़ी टाइट भी है, ऐसा नहीं कि मतलब लूज है, जल्दी घूम रही है, सही क्वालिटी है। और इसमें बाकी आपको इसमें रबर पैड मिल जाता है पीछे की तरफ, रख के देखते हैं। इस जब्बे में और कुछ नहीं है, खाली है, साइड में रखते हैं। तो इसको एक बार रख के देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सही है यार, मतलब एक होता है ना कि मतलब ऐसे रख के फिर हिल जाता है, मतलब इसमें ना ग्रिप अच्छा बना हुआ है इसका, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। अगर आप इसका बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो काफ़ी सही लग रहा है, मतलब एक होता है कि सही से मैन्युफैक्चर डिफेक्टिव है या कुछ है, स्क्रूज वगैरह सब अच्छी तरह फिटेड है। तो अभी हम लोग इसको एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसके एडाप्टर की क्वालिटी भी काफ़ी सही है। मेरे पास ये बोर्ड है, इसमें मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे। सो अभी मैं एडाप्टर को कनेक्ट करता हूँ। सो कनेक्ट करते ही आपके यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंडिकेटर शो हो जाएगा। तो अभी देखो कैसे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आपके पास एक साउंड कार्ड होना चाहिए, कि अगर हम स्टूडियो की बात कर रहे हैं, जैसे ये 4i4 का ऑडियो इंटरफेस है फोकस हेड का, तो इसका भी आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे, और ये स्टूडियोज के भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हेडफोन का एक ही आउटपुट मिलता है आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा ऑडियो टेक्निका का हेडफोन है ये, ठीक है, ये हेडफोन है। और इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे डाल रखा है। तो अभी अगर मैं चाहूँ कि भाई दो बंदा गए, ठीक है, तो इसमें तो आउटपुट एक ही है, एक ही हेडफोन आ रहा है, ओके। और मैं चाहता हूँ कि और एक बंदे को देना है, तो मैं कहाँ से दूंगा इसमें। या तो ये हो सकता है कि एक तार से दो निकाल के कैसे जुगाड़ कर सकते हैं, बट उसमें भी एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें आप वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। बट इसमें क्या है, ये एम्पलीफाई करता है, मतलब साउंड भी तेज कर देगा और आपका वॉल्यूम नॉब भी मिल जाता है। जिस बंदे को जितना साउंड चाहिए उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, कम चाहिए कम हो जाएगा, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा रहता है। तो अभी मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस हेडफोन का जो जैक है मैंने इसको नीचे रखा है, ठीक है। और ये हेडफोन का जो है यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ इसका, और इसका हेडफोन के लिए स्पेसिफिक नॉब दिया होता है साउंड कार्ड में, कोई भी लो आप स्टेनबर्ग का लो या फोकस हेड का लो, तो आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक मिल जाता है। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा, मैं ये दिखाऊंगा कैसे आपको कनेक्ट करना है। एक मेरे पास केबल है TS केबल, अभी ध्यान से सुनना, TS केबल मत लगाना इसमें, मेरे पास अभी है नहीं फिलहाल के लिए। TRS केबल जो है वो मैंने इसमें, ये और वो जो और एक स्पीकर है वहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर रखा है, तो उसमें तो है दो। तो TRS केबल में क्या होता है कि आपका इसमें दो रिंग होता है, इसमें जैसे सिंगल है ना, क्योंकि ये TS है, TRS केबल आपको लगाना है। तो इसमें उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि दोनों हेडफोन में, मतलब दोनों हेडफोन तो नहीं, मतलब कि दोनों हेडफोन का जो राइट और लेफ्ट होता है दोनों में सुनाई देगा आपको। अभी अगर मैं इसको डालूंगा तो मुझे बस इसी में सुनाई देगा, ओके। तो कनेक्ट कैसे करना है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना सारे एक ही लगता है देखने में कि कौन से में डाले। तो अगर बाय चांस आपने इन
थ्री में डाल दिया, टू में डाल दिया, उसमें डालना, देख के इनपुट की तरफ आपको टी आर एस केबल डालना है, टी एस केबल नहीं, ये तो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, तो ये जो केबल है जो हमने यहाँ पे डाला, ये चला जाएगा आपका फोकस राइट के 4i4 के ऑडियो इंटरफेस पे, इसको मैंने लगाया यहाँ पे, इसका भी वॉल्यूम है जीरो। और अभी जो ये हेडफोन है ये आपका जाएगा इसमें हेडन के हेडफोन एम्पलीफायर में। तो मैंने क्या किया, ये जो है ना ये चीज़, इसको मैंने यहाँ से निकाल के इसमें डाल दिया ये। तो ये जैक डालने के बाद हमारे पास अभी आ गए चार आउटपुट, ठीक है। तो इसमें हम चार हेडफोन डाल सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ डालो और उसके बाद आप इसको पहनो, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको भी फिलहाल के लिए मैं अभी इसको लगा देते, टू में लगा देते, ठीक है। ये मैंने इसको टू में लगाया, डन, इसको यहाँ पर रख दिया। अब वॉल्यूम यहाँ से बढ़ाने से नहीं होगा, आपको मेन वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, कौन सा, हेडफोन का, जो ऑडियो इंटरफेस का है उसका। आपको यहाँ से वॉल्यूम आप जितना करना कर सकते हो 45 रखते हैं, क्योंकि ये एम्पलीफाई होके आएगा तो इसका साउंड ऑलरेडी थोड़ा सा लाउड आएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसका साउंड यहाँ से बढ़ा सकते हो, ये जो मैंने यहाँ पे, देखो ये इनपुट, मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये मैंने इनपुट डाला यहाँ से, यहाँ पे 12 वोल्ट का एडाप्टर डाला हुआ है और इसमें 1, 2, 3, 4 हेडफोन से कनेक्शन से इसमें मैंने ये वाला डाला है, कौन सा, ये वाला हेडफोन, एक हेडफोन ये रहा, ठीक है। आपके पास दो तीन और हेडफोन तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो, और तीन स्लॉट्स अवेलेबल है। और ये वाला जो जैक है ये मैंने इसको डाला है यहाँ पे, जहाँ पे पहले हमारा हेडफोन था। तो इससे क्या होता है कि अगर हमारा अगर डायरेक्ट वहाँ पर रहेगा तो एक यूज़ कर पाओगे, अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट करके इसके थ्रू से करेंगे तो आप इसमें चार को कनेक्ट कर सकते हो। बाकी सब क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगा, कॉम्पैक्ट में चार आपको मिल जाता है, और ये ना सबके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडियो में कर रहे हो काम तो अगर आपको किसी और को कुछ देना है वोकल को, कोरस में सबसे ज़्यादा काम आता है, जैसे तो कोरस में चार है, ठीक है, और चारों को आप चार हेडफोन देना है, कैसे दे पाओगे, यहाँ से तो एक ही दे पाओगे, फिर यहाँ से जो ये वाला है ऑडियो इंटरफेस में एक ही है, तो आपको ये वाला कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें एक डाल के फिर आप चारों को दे दो, उनको जितना साउंड चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ से एडजस्ट करके फिर वो लोग आराम से गा पाएंगे। तो ऐसा ये काम करता है, तो काफ़ी बढ़िया है और इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे कनेक्ट वगैरह करना है। सेटअप मैंने आपको बता दिया, और इसमें आपको टी एस केबल नहीं लगाना, टी आर एस केबल लगाना है, जिसमें दो रिंग्स होती है, ठीक है। उनके लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपको लेना है यहाँ से लेकर यहाँ पे कनेक्ट करना है तो 1 मीटर तक चल जाएगा आराम से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करके आपको उसको कहाँ पे सेटअप करना है। और आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, पॉल शिप्रो आईडी है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।